और वहीं कांग्रेस नेताओं ने नागरिक अस्पताल के सामने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार व्यवस्था बना पाने में पूरी तरह से असफल है। कागजों में सभी व्यवस्थाएं होने की बात कही जा रही है, लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं होने के कारण मरीजों की मौतें हो रही हैं। मरीज और उनके तीमारदार अस्पतालों के बाहर खड़े होकर उपचार के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, उन्हें बेड खाली नहीं होने की बात कही जा रही है। कंट्रोल रूम के आंकड़ों में बेड खाली बताए जा रहे हैं, ऐसे में गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और इंजेक्शन की कमी को सरकार दूर करें और गरीबों को मुफ्त उपचार दें। धरने में होशियारी लाल शर्मा, विधायक शीशपाल, इसके अलावा कई नेता और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल रहे। विपक्ष का सहयोग रहेगा सत्ता पक्ष को, ये हमने आश्वासन दिया और हम उस आश्वासन पर कायम भी हैं। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल आंख मूंद के बैठ जाएं, जनता मरती जाए, अव्यवस्था बिल्कुल चरम सीमा पे हो। तरफ तो प्रशासन के तमाम उच्च अधिकारियों का ये बयान आता है कि हमारे पास वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के बेड हैं वो खाली हैं, आप भी न्यूज़पेपरों में देख लीजिए। परंतु धरातल पर आप प्रैक्टिकल जाके देखिए, डॉक्टर से पूछिए तो वो कहते हैं कि यहाँ ना बेड है ना ऑक्सीजन है, बहुत कमी है, हम क्या करें। हमारी मांगे हैं, कोरोना की बीमारी बहुत भयंकर फैलती जा रही है और सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही। कागजों में झूठे बयान दे के ये कहते हैं न तो यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, जबकि आप अस्पतालों में देख लो, न तो बेड है, न ऑक्सीजन है, न वेंटिलेटर है, न इंजेक्शन है और कोई चीज़ यहाँ नहीं है। और सरकार जो है झूठे वायदे कर रही है, अभी सारा कोई कमी नहीं है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।